प्रदेश तकनीकी संगठन के उप प्रधान विवेक गुलेरिया के नेतृत्व में तकनीकी संगठन के कर्मचारी ने जसूर कर्मशाला के मुख्य गेट पर रोष प्रदर्शन किया और प्रबंधक के प्रति जमकर नारेबाजी की गई। विवेक गुलेरिया ने बताया कि पिछले महीने से तकनीकी संगठन के बैनर तले सरकार के प्रति रोष प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी कोई भी मांग पर ध्यान नहीं दिया है। नूरपुर के कस्बा जसूर की हिमाचल परिवहन निगम की कार्यशाला एवं कार्यालय में तकनीकी संगठन द्वारा 19 जुलाई से लगातार काले बिल्ले लगाकर रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश तकनीकी संगठन के उप प्रधान विवेक गुलेरिया के नेतृत्व में तकनीकी संगठन के कर्मचारियों ने जसूर कार्यशाला के मुख्य गेट पर रोष प्रदर्शन किया और प्रबंधक के प्रति जमकर नारेबाजी की गई। विवेक गुलेरिया ने बताया कि पिछले महीने से तकनीकी संगठन के बैनर तले सरकार के प्रति रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में 937 पीस मिल कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कई वर्षों से मांग की जा रही है कि प्रदेश सरकार से कि हमारा HRTC में एक समान पॉलिसी के तहत सुनियोजित किया जाए, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी कोई भी मांग पर ध्यान नहीं दिया है। हमारी मांग थी कि समस्त पीस मिल कर्मचारियों को एक मुश्त पॉलिसी के तहत अनुबंध में लाया जाए। आज तक हमें सिर्फ ठगा गया है। सरकार को कई बार चेताया गया है कि हमारी कार्यशालाओं की स्थिति अति दयनीय है। हमारा प्रदेश के मुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री से आग्रह है कि तकनीकी संगठन के समस्त पीस मिल कर्मचारी जो हैं, उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र एक समान पॉलिसी के तहत अनुबंध पर लाया जाए। अब 9 अगस्त को समस्त तकनीकी संगठन शिमला में मुख्य कार्यालय का घेराव करेंगे। मैं राज्य स्तरीय उप प्रधान तकनीकी संगठन का उप प्रधान विवेक गुलेरिया क्षेत्र पठानकोट से संबंधित हूँ। आज हमारा कार्यक्रम जो है मुख्य वर्कशॉप जसूर में था, तो हम लोगों का सरकार के प्रति पिछले महीने 19 तारीख से रोष प्रदर्शन चला हुआ है कि हम लोग तकनीकी संगठन के बैनर तले हम लोग जो बंदे हैं पीसमिल कर्मचारी समस्त वर्कशॉपों में हम लोग कार्य करते हैं। 937 पीसमिल कर्मचारी जो पूरे प्रदेश में हम लोग अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। हम लोग कई वर्षों से इस मांग को लेकर चले हुए प्रदेश सरकार से कि हम लोगों को जो है संयोजित HRTC में एक समान पॉलिसी के तहत जो है संयोजित किया जाए, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी कोई भी मांग पर ध्यान नहीं दिया है। उनमें से हमारी एक मुख्य मांग थी कि समस्त पीस मिल कर्मचारियों को एक मुश्त पॉलिसी के तहत जो है अनुबंध पे लाया जाए, लेकिन आज तक हमें सिर्फ इस बात पर ठगा जा रहा है कि आपकी पॉलिसी जो है बन रही है, लेकिन हमें इस चीज़ का नहीं अभी तक पता है कि बन रही है या नहीं बन रही है। जब भी हमारी प्रदेश सरकार से या मुख्य कार्यालय शिमला से बात होती है अपने माननीय प्रबंधन से, तो बोलते हैं कि आपकी फाइल जो हमने सर्विस कमेटी को भेजी हुई है, लेकिन हमें नहीं पता उस सर्विस कमेटी का कि कैसे वो सर्विस कमेटी होती है या कैसी वो BOD होती है। आज तक तो हमने पत्रचार के माध्यम से कभी भी नहीं पढ़ा है इस मामले पीस मिल को लेकर कि आपके लिए सरकार जो है कोई ठोस निर्णय ले रही है, लेकिन हम लोगों ने सरकार को कई बार चेताया कि हम लोग जो है हमारी वर्कशॉपों में हालात जो है ठीक नहीं है, हमारे वर्कशॉपों के कार्य करने की जगह है वो भी ठीक नहीं है। हम लोग सरकार से कई बार इस चीज़ को लेकर गुहार लगवा चुके हैं। हमारे जो 937 पीस मिल कर्मचारी थे, अब सरकार में जो 937 पीस मिल कर्मचारी बचे हुए हैं हम लोग काम कर रहे हैं, उनमें से हमारे 2-3 बैच जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे चले गए हैं। उसमें फर्स्ट ही बैच जो हमारा रेगुलेशन के लिए चला गया था, फिर भी पता नहीं किन कारणों से हम लोगों को निगम में संयोजित नहीं किया जा रहा। हम लोग प्रदेश सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय परिवहन मंत्री जी से आग्रह करते हैं समस्त पीस मिल कर्मचारी तकनीकी संगठन के कि हम लोगों को शीघ्र अतिशीघ्र जो है एक समान पॉलिसी के तहत अनुबंध पे लाया जाए। नहीं तो ये जो हम लोगों ने 19 तारीख से काले बिल्ले लगाकर सरकार के प्रति रोष प्रदर्शन दिया था, उसमें भी सरकार ने हमें ना वार्ता के लिए बुलाया ना ही कोई ठोस रणनीति के लिए हमें अवगत कराया। अब 9 तारीख को हम लोगों ने शिमला में मुख्य कार्यालय का घेराव के लिए प्रदेश सरकार को भी और माननीय वहाँ प्रबंधन जी को भी चेता दिया है कि हम लोग 9 तारीख जो है समस्त तकनीकी संगठन पूरे प्रदेश से जितने भी डिपो में हम लोग तकनीकी संगठन के कर्मचारी हैं वो मुख्य कार्यालय का 9 तारीख को घेराव करेंगे। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त तो चला है, छोटे से ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।